प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए मित्र, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 12वें अध्याय में चलते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की और अब्राहम की बातचीत को देखते हैं। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, वाचा का परमेश्वर है, और अपने लोगों को वो भली भांति आशीषित करता रहता है। यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके 9 और 10 पद को, प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया और वायदे का परमेश्वर होने के बावजूद भी अब्राहम वहाँ पर नहीं टिका है। हम परमेश्वर के अब्राहम की बुलाहट को देखते हैं और उस देश को देखते हैं जहाँ पर आकर वो कनान देश में रुका, और कनान देश के बाद उसने पड़ाव डाला दक्षिण देश की तरफ। और हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, यहाँ इस प्रकार से देखते हैं कि उस देश में अकाल पड़ा। अब आप सोचिए, अकाल उस देश में पड़ा जहाँ पर परमेश्वर ने उसे ठहराया और परमेश्वर ने उसे देने का वादा किया और उसके साथ वाचा बांधी, उस देश में अकाल पड़ा। अचानक से, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब्राहम ने जब अपना तंबू वहाँ पर लगाया होगा और अचानक से तंबू का द्वार खोलते हुए उसने बहुत से कनानियों को मिस्र की ओर जाते देखा होगा, और जब मिस्र की ओर गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे लदे हुए और ऊँटों पे लदे हुए लोग जा रहे होंगे, तो अब अब्राहम ने कहा होगा अपनी पत्नी सारा से, सारे क्या हम इस अकाल के देश में रहें? क्यों ना हम भी अपना बिजनेस और अपना कार्य करने के लिए इस देश को छोड़ते हुए मिस्र देश को चले। तो प्रियो, जब हम यहाँ पर पढ़ते, उस देश में अकाल पड़ा था, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। तो प्रियो, उस अकाल के समय में परमेश्वर सुकाल देने वाला है, मैं ये जानता हूँ और मुझे विश्वास है। जैसे कि हम एलीमेलेक की पत्नी जो मुआबिन स्त्री हम देखते हैं, और नुआमी को देखते हैं जो एलीमेलेक की पत्नी हैं, और उसके पुत्र किल्लोन और मेलहोन को देखते हैं प्रियो, और वो लोग अपने बैतलहम को छोड़कर जब वहाँ अकाल था और वो मुआब को चले गए थे, और वो मेजोरिटी को तोड़ गए थे, और मेजोरिटी उन्होंने तोड़ी थी, एकता को तोड़ा था, और वो धनवान थे, लेकिन उन्होंने धनवान को और धन बढ़ाने के लिए मुआब को चले गए थे यहाँ और वहाँ पर। उसके बाद देखा, जब परमेश्वर ने अपने लोगों की सूदी ली, बैतलहम वाले लोगों की, तो उनको अकाल को सुकाल में बदल दिया, और फिर से नुआमी लौट कर आई अकेली, छुचे हाथ, और रूत उसके साथ थी। तो प्रियो, अपने पुत्रों को खो चुकी थी, अपने पति को खो चुकी थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। यहाँ परमेश्वर ने मिस्र जाने के लिए अब्राहम को कोई बुलाहट नहीं दी, कोई वाणी नहीं सुनाई, कोई भी बात नहीं कही कि वो भी इन लोगों के साथ, इन यात्रियों के साथ जो सुबह सुबह मिस्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कि ये भी चले। बस एक मैं कल्पना करता हूँ कि ये सुबह सुबह उठते ही इस भाग दौड़ को, जो दुनिया के लोग अब्रा मिस्र की तरफ जा रहे हैं कनान देश से छोड़ते हुए, लेकिन परमेश्वर ने कनान में ठहरने के लिए और वो अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देने के लिए और परमेश्वर की वाचा पर भरोसा करने के लिए कनान देश अब्राहम को दिया कि वो वहीं पर रहें। जब जब आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के अकाल आते हैं, जब जब आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के सताव या पड़ाव आते हैं या समय आते हैं, तब आप प्रियो, आप उन लोगों को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और आप अपने उन कार्य को, उस रोजगार को छोड़ देते हैं जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। कनान देश में अब्राहम को परमेश्वर ने ठहराया कि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तू ठहर यहाँ पर। और उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बनाई, फिर दूसरी वेदी भी बनाई। प्रियो, जब आप अपने जगह में और अपने घर में और अपने दिल में परमेश्वर के स्थान को बनाते हैं, फिर भी आपको डाउट और शक आ जाता है। जब आपको डाउट और शक आता है, तब आप मछली पकड़ने के लिए पतरस की तरह नदी या झील पर चले जाते हैं, और वहाँ पर प्रभु यीशु आपको ढूंढता है, और सारी रात आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक भी मछली आपके हाथ में नहीं आती है। तो प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 10 पद में, उस देश में तो अकाल पड़ा, और इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला
गया और वहाँ परदेशी होकर रहने लगा। जिस देश की वाचा बांधी गई है उससे छोड़कर और परमेश्वर के ऊपर शक करते हुए या अकाल की परिस्थिति को देखते हुए ये उस देश को छोड़कर परदेशी होने के लिए मिस्र में चला गया। सोचिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठहराव की जिंदगी, ठहरना चाहिए, परमेश्वर के वायदे को और वाचा को याद करना चाहिए। परमेश्वर की वाचा को जब याद करते हैं ना प्रियो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे यहीं पर ठहरने के लिए कहा है, उसने मेरे साथ वाचा बांधी है। सब लोग जाएं तो जाएं, पर मैं परमेश्वर के वायदों पे बना रहूँगा। परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी है, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। लेकिन अब्राहम यहाँ पर चूक करता है, अब्राहम यहाँ पर डाउट करता है। अब्राहम दुनियादारी के उन लोगों को देखता है और उन यात्रियों को देखता है जो अपना देश छोड़कर मिस्र देश में बिजनेस के लिए जा रहे हैं, और ये भी इस तरीके से अकाल की परिस्थिति को देखते हुए सुकालित रहने के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए मिस्र देश को चलने के लिए तैयार हो गया, वहाँ परदेशी होकर रहने लगा है। जब हम परदेशी होकर रहते हैं तो परदेशी होने पर आप बहुत सी समस्याओं का सामना भी करते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परदेशी होकर रहें, नहीं, आप अधिकारी बनकर रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि ये कनान का अधिकारी बनाने, कनान देश इसको दिया गया है और इसमें ठहरे, लेकिन ये यहाँ पर ठहरा नहीं है और ये और लोगों को देखते हुए भी मिस्र देश में जाकर अपना पड़ाव इसने रखा और वहाँ जाकर ये रहने लगा है। जब हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वो मिस्र देश को चला गया और वहाँ परदेशी होकर रहे, ताकि परदेशी होकर रहे और फिर लौट आए, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। अकाल भयंकर था लेकिन परमेश्वर भयंकर नहीं था। परमेश्वर आशीषित करने वाला है। मिस्र भी वहीं की धरती भी परमेश्वर जानता है, मिस्र को भी परमेश्वर जानते, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए यहाँ पर कुछ समय के लिए अकाल है, लेकिन यहाँ दूध दही मधु की धाराएं हैं और ये मिस्र आशीषित देश है इसके लिए, अब्राहम के लिए। लेकिन अब्राहम छोड़ चुका है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जब हम अपने देश को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं और बहुत सी बात छोड़ते हैं, तो हम सताव का सामना भी करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 11 पद में, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन मुझे मालूम है, मुझे पक्का पता है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब 12 पद हैं, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझे तो मार डालेंगे पर तुझको जीती जी रख लेंगे। देखिए वो वाचा कहाँ है, वो वायदा कहाँ है जो परमेश्वर ने इसके वंश को देने के लिए कनान देश का लिए वाचा बांधी है। अब कहाँ इसके ज़िंदगी में एक शक और डाउट आया है परमेश्वर के प्रति। कई बार प्रियो आपके ज़िंदगी में भी इस कहानी को, ये कहानी आपकी ज़िंदगी की उन बातों को याद दिलाना चाहते हैं कि कई बार आपने परमेश्वर के वादे पर और परमेश्वर की वाचा पर शक किया है, कि परमेश्वर ने जब इसको देश देने के लिए बात की है तो आज ये अपने मौत के लिए डर गया है, अपने जीवन खोने की बात कर रहा है और अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाने के लिए तैयार हो गया, कि मिस्री जब तुझे देखेंगे, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। प्रियो सुंदर स्त्री, आपके अगर पत्नी सुंदर स्त्री है तो प्रियो उसका भाई बनने के लिए तैयार मत होइए, उसकी रक्षा कीजिए। और परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, और बाल बांका तभी होता है, आपको हानि तभी पहुंचती है जब आप परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। तो प्रियो यहां पर देखते हैं कि इसके जीवन में इस प्रकार से पहला शक आया कि सब लोग मिस्र की ओर जा रहे हैं, तो वहां भयंकर अकाल था, इसलिए अकाल का कारण बना कि ये कनान को छोड़ दे और कनान में जाकर मिस्रियों के देश में रहने लगा। और वहां जाते ही अपनी पत्नी पर इसने शक किया, या अपनी पत्नी को सुंदर जानते हुए मिस्रियों के हवाले होते हुए उस बात की भावना या शंका ऐसे हुई कि मिस्री तुझे रख लेंगे और मुझे मार देंगे। और तीसरी बात है, अपने जीवन में डर को उत्पन्न किया, क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर को इस वक्त नहीं समझा और अपनी बुलाहट को नहीं जाना। कई बार हम अपनी बुलाहट को खो देते हैं, अपनी कॉलिंग को खो देते हैं और हम इस तरीके से शक की जिंदगी में जीने लग जाते हैं। तो प्रियो उस वाचा को याद करो। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम शायद ये बात भूल गया है कि मेरी पत्नी
को कौन ले सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी से मेरे द्वारा जो परमेश्वर संतान उत्पन्न करेगा, देश देश और जाति जाति का मूल मुझे बनाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों मैं अपनी पत्नी को बहन कहकर और इस डर में जीऊं कि मुझे लोग मार देंगे और इसे जिंदा रख लेंगे, क्यों ऐसा शक इसकी ज़िंदगी में है। जब हम अपने ज़िंदगी से परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते ना, तब तब ये सब बातें हमारी ज़िंदगी में आकर खड़ी होती हैं और हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को शैतान के हवाले करते हैं, डर के हवाले करते हैं, समाज और दुनियादारी के हवाले कर देते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार का डर आता है। क्योंकि ये डर अब्राहम को दबा रहा था कि इसकी पत्नी सुंदर है, लोग उसे देखेंगे, देखने पर उसे छीन लेंगे, उसे मार देंगे और उसके साथ गलत कर देंगे। तो प्रियो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का जो वाचा थी, परमेश्वर की जो नज़र इसके ऊपर थी, जो परमेश्वर की आँखें इसके ऊपर लगी थी, जो परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी, शायद इसे याद नहीं पर आपको याद होना चाहिए, अब्राहम परमेश्वर तेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला। आज मेरी बहन मेरे भाई से मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियजनों, कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, आप उस वाचा को याद करें कि परमेश्वर ने आपको अगर धनवान धन्य माता पिता बनाने के लिए वाचा बांधी है, तो आपको आपकी पत्नी को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, आपके पति को आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो प्रियो, आप छीनना के बातें का शक लेकर आते हैं तभी तो आप डरते हैं। ये डर ही है जो आपको आपकी पत्नी से और आपके पति से और आपके बच्चों से अलग करता है, अपने देश से अलग करता है। एक अकाल का डर ही उसे इस देश कनान से मिस्र में ले गया, और फिर पत्नी का डर, सुंदरता का डर ही इसकी पत्नी को उसे अलग कर गया। प्रियो, परमेश्वर ने आपसे दूसरे देश में जाने की वाचा नहीं बांधी, इस देश को आपके वंश को देने की वाचा बांधी है। तो प्रियो, तैयार रहें, बने रहें, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय यीशु।